करेंगे क्लास 10th 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर के जो डिविजिबल हो जाते हैं 6 से, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो नंबर डिविजिबल होते हैं 6 से और वो पॉजिटिव हैं, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर लिखने पड़ेंगे 6, 12, 18। ठीक है, 40 बताने हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, तो लास्ट हमारी ए एन क्या होगी ये बताओ, कैसे निकालेंगे। 6 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 240, है ना, क्योंकि 14 टीचर्स बोले थे और 6 से डिवाइड होने जो, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारा क्या आ जाएगा, 240। ठीक है, सो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 6। डी की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 6, क्योंकि ए 2 माइनस a करते हैं, तो 12 माइनस 6 दैट इज 6। ठीक है, हमें सम निकालना है, वैसे तो हमें डी की जरूरत है नहीं, हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला, ए एन हमें कितना गिवन है, 240, एन हमें कितना गिवन है, 40। ठीक है, डी निकालने की वैसे नीड नहीं है, तो एस एन कैसे निकालेंगे, एन बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए एन, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो नीड नहीं है, अगर हम दूसरा करें 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन हमें डी की नीड है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं क्योंकि इससे बहुत इजीली हो जाएगा। एन के वैल्यू हमें क्या गिवन है, 40, 2 से डिवाइड, ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 6, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, 240। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, 240 प्लस 6 दैट इज़ 246, 246 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो क्या आ जाएगा, 4920। तो सम ऑफ 40 टर्म्स, 40 इंटीजर्स हमारा क्या हो गया, 4920। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है।